या थैंक यू आशुतोष जी, इफ आई रिकॉग्नाइज यू करेक्टली, बिकॉज हम मिले कभी नहीं है, तो आई जस्ट गेस्ट इट. रिस्पेक्टेड ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डॉक्टर अमिता पुंज एंड माई अदर को पैनलिस्ट एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है. माइक को म्यूट कर लेंगे तो आप मैम को आसानी से स्पष्टता से सुन पाएंगे. थैंक यू. एंड द डियर पार्टिसिपेंट्स, सो एट द आउटसेट मैं आप सबको इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. I am thankful to the organizers that they have connected me with a very very meaningful program. और जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है सिचुएशन ऑफ जेंडर जस्टिस इन इंडिया. मुझे ये मालूम है कि जो पार्टिसिपेंट्स है, टारगेट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, वो PLVs हैं, विलेज है और प्रो बोनो लॉयर्स हैं. तो आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट दीज पर्सन्स हु आर माय पार्टिसिपेंट्स एंड हु आर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल, मे बी दे नो मच बेटर देन मी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ जेंडर जस्टिस इन इंडिया. मैं जो बताऊंगी वो तो स्टेटिस्टिक्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, बुक नॉलेज हो सकती है, बट ये जो लोग हैं, जो जो टारगेट ग्रुप है, ये तो वो हैं हु एनकाउंटर द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड. So I really salute that we are working with the help of the ministry. जो एक real काम हम लोग universities में बैठ के और academicians जो कहते हैं कि बहुत ही जरूरी है to achieve the ultimate goal, वो काम यहाँ हो रहा है. Topic ऐसा है कि जिसको सम अप कर सकती हूँ और घंटे तो क्या दे दीजिए तब भी हम इसको continue कर सकते हैं इसकी discussion. यूनिवर्सिटीज में पूरा एक सिलेबस होता है जेंडर जस्टिस के ऊपर, तो हम पूरा एक सेमेस्टर एक साल उसको डिस्कस करते हैं. अगर मुझे एक सेंटेंस में इसके बारे में कहना है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जेंडर जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमेन, जो कि आज हम बात कर रहे हैं, पहले से बेटर है, बेहतर है पहले से, बट स्टिल माइलस्टोन. अब बात यह आती है कि मैं आपसे माइल्स टू गो की बात करूं या स्टिल बेटर देन बिफोर की बात करूं. अभी आशुतोष जी ने जो है स्टार्टिंग में कहा कि ये जो वक्त है, ये जो माहौल है, वो जश्न का है, सेलिब्रेशन का है. तो चलिए थोड़ी सी हम वो बात करते हैं जिसमें वी कैन फील दैट वी आर बेटर देन बिफोर. लेकिन हम किस बेसिस पे कहते हैं वी आर बेटर देन बिफोर और माइल्स टू गो? पैरामीटर्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है? शायद हम सब जानते हैं, मुझे सब सिर्फ उसको इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करने की जरूरत. वो पैरामीटर्स हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और अगर हम और आगे बात करें, रिप्रोडक्टिव राइट्स, राइट टू बी फ्री फ्रॉम वायलेंस, right to decide, take decisions, so on and so forth. Concept note, शायद participants ने थोड़ा सा पढ़ा होगा. Concept note ने काफी हद तक मेरे address को easy कर दिया है. बहुत ही अच्छे तरीके से concept note में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से अगर हम constitution की बात करें, अपने संविधान की बात करें, then we find that it is gender friendly, it is woman friendly. Not only that, constitution talks about not only equality, it also talks about protective discrimination, ki special provision hum bana sakte hain for the woman, for the upliftment of the woman, empowerment of the woman. Aur wo bane bhi, ek nahi bahut sare bane. Aapko jo hai Dr. Amita Punj batayengi abhi next session mein ki kis tarike se इंडिया व्हेन इट बिकेम अ सिग्नेटरी टू सीडा और उस कमिटमेंट को भी पूरा करने के लिए ये जो भी
एक्ट जो है वेरी ब्यूटीफुली कंसेप्ट नोट में किए गए हैं, भले वो 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और भले ही वो 2013 का पॉश एक्ट जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में दैट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस हो, और भी बहुत सारे कानून और अमेंडमेंट्स आई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन. ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय हो सकता है कि ऐसा क्यों है कि अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बनाया तो सिर्फ वुमेन को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, व्हाइट वुमेन प्रोटेक्टिव और जेंडर स्पेसिफिक ये न्यूट्रल क्यों नहीं है. जब हम पॉश एक्ट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, भाई ये भी क्यों जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्यों जेंडर स्पेसिफिक है, वो एक अलग विषय हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और मैं समझती हूँ कि उस चीज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट वो आज का विषय मैं डिटेल में नहीं जा सकती उसमें. मैं अपना एड्रेस जो कंसेप्ट नोट का लास्ट सेंटेंस है उससे शुरू करती हूँ. लास्ट सेंटेंस आपने ये लिखा है ऑर्गेनाइजर्स ने कि जेंडर जस्टिस के वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. मैं उसमें से किसी एक एस्पेक्ट की यहाँ पे बात करना चाहूंगी, व्हाट एवर लिमिटेड टाइम हैज बीन गिवन टू मी. आपके जो 5 वेबिनार्स ऑलरेडी हो गए हैं उससे कुछ हटके आज मैं बात करना चाहूंगी, और उसको अगर हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मैं लेकर आऊं तो हम कह सकते हैं कि मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगी ऑन दी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन. मैं समझती हूं कि किसी भी वुमेन का इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है, वेदर यू टॉक अबाउट वेलफेयर और एम्पावरमेंट, बेहद जरूरी है. लेकिन असली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो तब आएगी ना जब वो गेनफुली एम्प्लॉयड होगी. Definitely, that's a very important aspect when I talk about the economic rights. लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये नहीं है कितनी महिलाएं पढ़ पाती और वो skills acquire कर पाती हैं जो वाकई ही जिसको हम एक dignified job कह सकते हैं. कितनी सारी ऐसी women हैं who are working still in urbanized sector and still their contribution in the labor market is not recognized. तो मैं ये वाली बातें नहीं करूंगी आपसे प्रॉपर्टी राइट्स में. मैं वो बात करूंगी जिससे एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आती है किसी भी पर्सन को, इंक्लूडिंग वुमेन, जो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिलती है. तो मैं थोड़ी सी बात करूंगी इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ द वुमेन. चूंकि मैं अपनी ही कंट्री की बात करना चाह रही हूँ, इंडिया की बात करना चाह रही हूँ, तो ये वाला जो लॉ है, एंड आई कम फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, तो लॉ इसमें जो है वो हमारा एक यूनिफॉर्म नहीं है. तो इसलिए मैं उन महिलाओं की बात करूंगी जो कि जिनको मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हु कैन बी कवर्ड इन माय डिस्कशन, दैट इज द हिंदू वुमेन. चलिए, शायद मेरे पास 5-7 मिनट ही होंगे, आपने 10 मिनट दिया है मुझे और मैं इस पे शुरू हुई हूँ, 11:48 तो हो ही गए हैं. तो मैं इस पूरी जो है लंबी स्टोरी को एक कट शॉर्ट करके आपको ऐसे बताती हूँ कि एक वक्त था जब जो कानून था उस वक्त का, मैं बात कर रही हूँ आज से 1000 साल पहले की, टू बी मोर प्रिसाइजली 1100 साल पहले की, वो एक ऐसा समय था कि जब एक औरत को किसी भी फॉर्म में, भले वो मदर हो, भले वो वाइफ हो, भले वो डॉटर हो, भले वो सिस्टर हो, किसी भी फॉर्म में उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लायक समझा ही नहीं जाता था. मैं बात कर रही हूँ मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ की. वो ऐसा वक्त था कि जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम बहुत ही प्रेवलेंट था, बहुत स्ट्रांग था, और उस जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम में एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट हुआ करता था जिसको हम लॉ में कहते हैं कोपार्सनरी. कोई मतलब ही नहीं था कि कोई वुमेन कभी उस कोपार्सनरी का हिस्सा हो सकती है. लॉ माइट हैव बीन बैड बट इट वॉज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर ऑन दैट. No woman can be a member of co-passionary. अब बात यह आती कि फर्क क्या पड़ता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर कोई co-passionary का हिस्सा है कि नहीं, उसे फर्क क्या पड़ता है. बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उस वक्त के लॉ गिवर्स ने प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स सिर्फ उन्हीं को दिए जो मेंबर्स ऑफ co-passionary थे. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लू आपके सामने, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर,
अब इसमें जो हस्बैंड है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो उसने अपने पिताजी से इनहेरिट की, उसको हम लॉ में कहते हैं इंसिस्टेड प्रॉपर्टी। तो अगर वो आदमी अब मर जाता है जिसने अपने फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी, लिविंग बिहाइंड विडो सन एंड डॉटर, तो वो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से सिर्फ एंड सिर्फ सन उस प्रॉपर्टी को, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था। थोड़ा सा टाइम बदला, 1937 आया, हजारों साल तक ये वाली ये सब चलता रहा। 1937 एक्ट आया तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि विडो है उसको शामिल कर लिया गया। अब यही एग्जाम्पल अगर मैं लूं, इसमें जो है हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर, और जो हस्बैंड है उसके पास अपने पिताजी की प्रॉपर्टी है, अगर वो आदमी अब मरता है 1940 में, एनी ईयर आफ्टर 1937, तो इस केस में जो विडो है उसकी, उसका स्टेटस थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, वो बेटे के साथ इनहेरिट करने लग गई, डॉटर अभी भी एक्सक्लूडेड थी। तो वन फॉर्म ऑफ जो वुमन है उसका फेट चेंज हो गया, बट वो भी एक अलग स्टोरी है कि वो इनहेरिट तो करती थी लेकिन उसको फुल राइट्स नहीं थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर हम 1947 आया, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, 1950 आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अभी 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 मैंने आपको बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज वुमन फ्रेंडली, जेंडर फ्रेंडली। तो उसके 6 साल के बाद 1956 में हमारा एक एक्ट पास हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें जो डॉटर थी उसको इंक्लूड कर लिया गया, बोथ विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेट प्रॉपर्टी एज वेल एज जिसको हम को पासिंग प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं कि एक हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर, और यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि उस हस्बैंड की अब सेपरेट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ उसमें। ये पर्सन अपनी लाइफ टाइम में कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और सेपरेट प्रॉपर्टी को छोड़ के ही डाइज आफ्टर 1956, लिविंग बिहाइंड विडो सन एंड डॉटर। तो 1956 के एक्ट में तीनों के तीनों उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे और इक्वली इनहेरिट करेंगे। अगर यही सिचुएशन 1937 से पहले थी तो ओनली सन वाज इनहेरिटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट प्रॉपर्टी आल्सो। अब यहां पे ये फर्क है, विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट प्रॉपर्टी आल्सो सिर्फ सन इनहेरिट कर रहा था। अगर इसी एग्जांपल में ये आदमी 1937 के बाद इसकी डेथ हुई होती बट 56 से पहले, तो वाइफ वाज इंक्लूडेड, सन एंड वाइफ बोथ वुड हैव इनहेरिटेड। सेम सिचुएशन में अगर उसकी डेथ जो है 1956 के बाद होती है तो तीनों विल इनहेरिट। तो ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ओ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम अपनी इतनी तारीफ करते हैं इज अ रिफ्लेक्शन हियर, कि जब ये एक्ट बना 1956 का तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को माइंड में रख के एक इक्वालिटी दी। नाउ द डॉटर्स आर आल्सो इनहेरिटिंग अलोंग विद द सन एंड दैट टू इन इक्वल पोर्शन। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेज हुए, सेमिनार्स हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, हमें मौका मिला जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 56 का एक्ट है, 1956 के एक्ट को और गहराई से एग्जामिन करने के लिए। तो जब हमने उसको गहराई से एग्जामिन किया तो पता चला ठीक है सेपरेट प्रॉपर्टी में तो इक्वल शेयर मिल गया है डॉटर को, लेकिन वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का क्या, उसमें तो उसको इक्वल शेयर नहीं मिला। अब मैं टेक्निकलिटीज में ना जाके अगर आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि एक आदमी 1956 के बाद उसकी डेथ होती है और वो सिर्फ एक बेटा और एक बेटी छोड़ के मरता है, मैं प्रज्यूम कर रही हूं कि उसकी वाइफ उससे पहले मर गई थी, पहले एग्जांपल्स में वाइफ थी, इस एग्जांपल में मेरे वाइफ नहीं है। तो एक आदमी जिसका बेटा है बेटी है ही डाइड, और वो प्रॉपर्टी कौन सी छोड़ के जाता है जो उसने अपने फादर से इनहेरिट की थी, ancestor property। मैं 56 के बाद की बात कर रही हूँ। He is dying in the year, say for example 1970, 1980, 1990 or 2000, any year till 2004 तक। तो ऐसे में क्या होता था कि 1956 के एक्ट के अंडर जो कि हम बहुत अप्लॉड कर रहे थे, बोथ बेटा और बेटी दोनों को शेयर मिल रहा था, इसमें भी ancestor property में भी मिल रहा था दोनों को, बेटा और बेटी को। लेकिन जब इसको इन डेप्थ एनालिसिस किया गया तो पता चला ये तो देखिए कितना कितना किसको मिल रहा है, दोनों को तो मिल रहा है, वो इक्वेलिटी नहीं है। आप इक्वेलिटी ये देखिए कि बेटे को कितना मिल रहा है और बेटी को कितना मिल रहा है, क्योंकि जो लॉ था 56 का विद रिस्पेक्ट टू द इंसेस्टेड प्रॉपर्टी वो ये था कि जो है अगर यहाँ पे ये 100 लाख
रुपीज की प्रॉपर्टी छोड़ के फादर की डेथ हुई है, तो जो है 75 लाख जो है वो जा रहा है बेटे को, 25, दैट इज 75% इज गोइंग टू द सन एंड 25% इज गोइंग टू द डॉटर। ये जब चीज सामने आई तो सबने जो है यही कॉन्फ्रेंसिस सेमिनार्स द प्लेटफॉर्म्स, तो तब तक जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी आ गई थी, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भी आ गई थी। मैम आपसे, मैम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसे थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए आपको। आप मुझे ये बता दीजिए कितने मिनट या सेकंड्स है मेरे पास? नहीं नहीं मैम, प्लीज प्लीज अपने अब 2 मिनट में कर दीजिए इसको जी। एक अपने हिसाब से कर दीजिए, लेकिन प्लीज कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। वेल आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन 2 मिनट्स। वी आर ट्रेन्ड यू नो टू एक्सपैंड और अकॉर्डिंग टू द टाइम, फाइन ओके। तो फिर क्या हुआ कि जब ये वाली बात सामने आई कि उसको तो 25% मिल रहा है, सन को 75% मिल रहा है, इस चीज को जब हाईलाइट किया गया तो लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी, कुछ स्टेट्स ने भी की अपनी जो है रिपोर्ट दी कि ये खत्म होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। तो अल्टीमेटली 2005 में सेंट्रल लेवल के ऊपर एक अमेंडमेंट आ गई कि नहीं नहीं सारी डॉटर्स आर को पार्टनर्स और उनको उतना ही मिलेगा जितना सन्स को मिल रहा है, राइट। अब जो मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, अगर वो मेरी ये 3 बातों को समझ लें जो मैं अब उनसे कहने जा रही हूँ, तो मैं ये समझूंगी मेरा ये शॉर्ट एड्रेस हैपन टू बी फ्रूटफुल एंड हैव बीन अ आई मीन अ लिटिल बिट कंट्रीब्यूटेड दिस प्रोग्राम। वो ये है कि भले ही ये अमेंडमेंट जो डॉटर्स को एब्सोल्युटली इक्वल राइट्स देती है सन्स के, भले ही ये लॉ बाय वे ऑफ अमेंडमेंट 2005 में आया है, बट नाउ विद सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी इंटरप्रिटेशन दी है 2020 में, उसके हिसाब से ये कुछ मायने नहीं करता है कि फादर 2005 के बाद उनकी डेथ हुई है या 2005 से पहले उनकी डेथ हुई है। डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलेगा उनकी प्रॉपर्टी में। ये मायने नहीं रखता है कि वेदर डॉटर जो है 2005 से पहले पैदा हुई है या 1956 से पहले पैदा हुई है। वो कभी भी पैदा हुई हो उसको इस 2005 अमेंडमेंट का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो वर्ड्स यूज है दैट इज राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी। नॉट ओनली दिस, द थर्ड थिंग इज कि ये जरूरी नहीं है कि फादर हैज टू डाई एंड ओनली देन द डॉटर्स कैन क्लेम देयर राइट। ये भी जरूरी नहीं है, इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव गॉट अ राइट बाय बर्थ, वो अपना राइट बाय आस्किंग फॉर पार्टीशन क्लेम कर सकती हैं। सो 1, 2, 3, फादर माइट हैव डाइड बिफोर 2005, डॉटर माइट हैव बॉर्न बिफोर 1956, थर्ड इवन डेथ ऑफ फादर इज नॉट असेंशियल। ये 3 चीजें हैं, अगर मैं अवेयरनेस में कंक्लूड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकी तो आई थिंक my address is worthwhile here in. So with these I conclude. Phir kabhi mauka mila to aur pate karenge, but I conclude here in, why? Because I understand there happens to be the constraints of the organizers also. Thank you very much for giving me the opportunity to share my views. और सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, एक और जगह भी मुझे बोलना है, तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट और जुड़ी रह सकती हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं होंगी। जी जी